वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड गाइड करते रहता हूं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। उसी कड़ी में एक नया वीडियो मैंने बनाया है जो कि एसएससी जेई 2019 मेंस का जो क्वेश्चन पेपर था वो है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होती है, जो टेलीग्राम ग्रुप से बहुत सारे बच्चे ने मुझे भेजा था, उसका सॉल्यूशन भी है। क्योंकि इस बार से QCAP सिस्टम अलाउ कर दिया गया है जिसमें कि आप लोग को क्वेश्चन पेपर वापस नहीं मिलता है और क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर में ही लिखे रहते हैं उसमें आंसर के लिए स्पेस दिया गया रहता है, उसी में सॉल्व करके हम लोग को सबमिट करना होता है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था, और जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो भी मैं आगे बताऊँगा। एक शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं। टिम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्वेश्चन था, बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिंकिंग फंड से था, डेप्रिसिएशन से था, रिलेटिव डेंसिटी, प्लेट लोड टेस्ट, वियर, स्टेबिलिटी, एक्यूफर, मेसनरी डैम, सेटलिंग टैंक, यूवी रेज, ओएसडी, स्लीपर, डब्ल्यूएसएम से सॉल्व करना था कुछ क्वेश्चन को, और कॉलम का क्वेश्चन था, एसएफडी, बीएमडी से क्वेश्चन था, वर्केबिलिटी से था, और एक आई सेक्शन था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया और कुछ भी निकालना था। तो आगे डिटेल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिटेल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो 15 मार्क्स का पूछा गया था, क्वालिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कि 30 मीटर चेन मेजर्ड लेंथ 450 मीटर आफ्टर इट चेन वाज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एक्चुअल। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखे होंगे, 15 मार्क्स में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो पूरा एक कंप्लीट सेट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो होता है उसमें करीब 4 पार्ट उन लोग देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो उसी में पूछा गया था, क्वालिटी ऑफ टिम्बर यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पस, फाइंड द इंक्लूडेड एंगल। तो ये जो इंक्लूडेड एंगल वाला क्वेश्चन है वो कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे, ये पूछता ही है, मतलब एक फॉर्मेट टाइप का है, आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करके बस जाना होता है और सेम फॉर्मेट में सॉल्व करके चले आना होता है। तो यही सारी चीज़ें होती है जिससे कि हम लोग 2 आवर्स में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है एक एरिया से ही आता है और हम लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, आईएएस प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चंस को करके। दूसरा क्वेश्चन जो है वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5 ईयर बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप लोग पढ़े होंगे एस्टिमेशन कॉस्टिंग, वहाँ पे होगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको, और आगे सॉल्यूशन भी है उसका। एक्सप्लेन सिंकिंग फंड एंड इट्स मेथड। अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन प्लेट लोड टेस्ट फॉर फाइंडिंग और कैलकुलेटिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी है, आगे हम लोग सॉल्यूशन में देख लेंगे उसको। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको जो है डेंसिटी इंडेक्स निकालने के लिए बोला गया है, सॉइल का क्वेश्चन है, तो जस्ट फार्मूला है, उसको डेटा कलेक्ट करके और फिर हमको फार्मूला में पुट कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th नंबर, वो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्लीपर्स यूज्ड इन रेलवेज, ऑल्सो डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन रहता है स्लीपर से रिलेटेड रेलवेज में। फिर अगला क्वेश्चन जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इनका, कि जो ओएसडी निकालने का जो फार्मूला है, पूरा एक सेट है, कंप्लीट सेट, प्रीवियस को ईयर बहुत बार पूछा गया है। ये इस बार एक नया क्वेश्चन जो है डिसइंफेक्शन बाय यूवी से पूछा गया था, शॉर्ट नोट 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब पहले नहीं पूछा गया था, ईएस में पूछा गया है, ये वहीं से उठा के इन्होंने पूछा है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेडिमेंटेशन टैंक डिज़ाइन करने के लिए है, वो डेटा दे दिया गया है और उसी को बेस लेते हुए हम लोग को पूरा डिज़ाइन करना है सेडिमेंटेशन टैंक, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है जिसका डायमेंशंस दिया गया है और हम लोग को डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और स्ट्रेस फाइंड करना है इसमें, तो कंप्लीट सॉल्यूशन भी है इसका। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द शॉर्ट कॉलम। ये फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम निकालना था, डायमेंशंस गिवन है, तो इसका एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग को सॉल्व करना होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आप लोग देख लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फेवरेट क्वेश्चन, वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इक्वेशन लिखना था, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला नहीं गया है लेकिन 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग को इक्वेशन लिख के प्रॉपर जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर आपके पास टाइम था तो आप लोग सॉल्व कर सकते थे पूरा पूरा, बहुतों ने जो है जस्ट इक्वेशन भी लिख दिया है, तो मार्क्स तो मिलेंगे उनके, लेकिन थोड़ा सा वो इवेल्युएटर पर डिपेंड करेगा कि मार्क्स 30 out of 30, क्योंकि ये क्वेश्चन 30 मार्क्स लेने वाला था, अगर आप डायग्राम वगैरह प्रॉपर सारा ड्रॉ किए हैं जैसे नॉर्मली क्वेश्चंस में करते हैं, क्योंकि जस्ट इक्वेशन लिखा हुआ था इसलिए बहुत लोग इक्वेशन लिख दिए थे सिर्फ। अगला क्वेश्चन ये तो कई बार पूछा गया है, वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट,
जो कंक्रीट का वर्केबिलिटी पूछा जाता है, और ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट की मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई सेक्शन है पूरा, आप लोग इस आई सेक्शन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ईएस में, तो कई बार पूछा गया है, क्योंकि मैं ईएस का नाम इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो उठा के पूछते हैं एसएससी जेई में, और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर तो पूरा करना ही होता है, तो मैंने सेलेक्टेड आईएस क्वेश्चंस पे जो है उस पर भी वीडियोज़ बना के रखे हैं, चैनल पे जाके आप वो सारे वीडियोज़ को देख के वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आईएस के अच्छे अच्छे, तो वो सारे नहीं करने हैं हमको, लेकिन जो एसएससी जेई में पूछा जा सकता है वो सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी इसका एक स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, तो ये सेडिमेंटेशन टैंक वाला जो क्वेश्चन था डिज़ाइन करना था, तो उसमें डिस्चार्ज वगैरह दिया था, उसको हम लोग प्रॉपर यूनिट में कन्वर्ट करके उसके बाद जो है लेंथ ऑफ द टैंक और ये सारा चीज़ आप लोग देख लीजिए पूरा, क्योंकि बहुत लोग जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको देख के, और जिन्होंने दे दिया है वो लोग जो है उससे थोड़ा एनालिसिस कर सकते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम टाइम में क्या किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो इसलिए थोड़ा वो लोग रिकैप कर सकते हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डेंसिटी इंडेक्स निकालने का था, तो ये आप लोग देख सकते हैं डेटा गिवन था पोरोसिटी और वाइड रेशियो का, फिर जो है हम लोग ई मैक्सिमम और ई मिनिमम निकाले हैं फार्मूला से, और उसके बाद जो डेंसिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है ई मैक्स माइनस ऑफ ई बाई ई मैक्स माइनस ऑफ ई मिनिमम, और फिर जो है ये फाइनली डेंसिटी इंडेक्स 46.45% आया था। ये एसएफडी बीएमडी का जो क्वेश्चन था इसमें जस्ट डायग्राम था, तो प्रॉपर जैसे मैंने बोला था कि सेक्शन वगैरह लेके अच्छे से पार्ट बाई पार्ट जो दिखाना होता है, और फिर हम लोग को एसएफडी बीएमडी क्योंकि इक्वेशन तो सारे लिख ही देते हैं लेकिन एक्चुअल जो हम लोग को एसएफडी बीएमडी करना रहता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही इसीलिए जाता है, ये जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एसएससी जेई में वो एसडी निकालने के लिए फॉर टू वे ट्रैफिक, तो ये प्रॉपर 50 मार्क्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस सारे स्टेप को फॉलो करके और मिनिमम लेंथ डिजायर्ड लेंथ, तो ये सब चीज़ जो है बहुत लोग यहाँ तक ही करके छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये सारा चीज़ जो निकाल देते हैं तो ये एक्स्ट्रा और सही रहता है क्योंकि एग्जामिनर ये सारे चीज़ को देखना चाहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख ले, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया वाला क्वेश्चन था, तो इसमें जो है न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, उसके बाद जो है प्रॉपर जेड जो हम लोग सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं टॉप पे बॉटम पे, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैलकुलेट करके और प्रॉपर सारा चीज़ है, तो ये सारे चीज़ को आप लोग देख रहे हो, ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसे डाल दूंगा कि आप लोग अच्छे से एनालाइज कर सकें इसको। फिर नेक्स्ट जो है एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि हम लोग क्वेश्चंस को देख लें अच्छे से, ये जो क्रॉस सेक्शन दिया गया था बीम का और उसके बाद जो डिज़ाइन करना था न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए और उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेस भी निकालना था हम लोग को, तो न्यूट्रल एक्सिस पहले निकाला गया है, उसके बाद जो है कैलकुलेट किया गया है सिग्मा सी बी सी को जो हम लोग को निकालने बोला गया था स्ट्रेस के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वही सेम रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम लोग कॉलम वाले शॉर्ट एक्सेल लोडेड कॉलम था, जस्ट इक्वेशन गिवन था, ये सारा क्वेश्चन तो आप लोग जानते होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। फिर चेक कर दिया लोड जो फार्मूला है उसका एक्सेल लोडेड के लिए, और उसके बाद जो डायरेक्ट फार्मूला लगा के और उसके बाद हम लोग ए एस टी निकाल दिए हैं इसका, और कुछ जो थ्योरी क्वेश्चन थे उसमें ये जो है जो मिनिमम मार्क्स जितना इस कंटेंट में लिखा गया है अगर आप इतना लिखे हैं तो मिनिमम इतना मार्क्स मिलेगा, अगर आप इससे और बेहतर लिखे हैं तो मार्क्स इम्प्रूव ही होंगे एग्जामिनर जो होगा, लेकिन इससे कम मार्क्स नहीं देगा, तो आपने जो लिखा था अगर कुछ भी याद हो तो उस कंटेंट से आप लोग रिलेट कर सकते हैं, और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो प्रॉपरली इस सारे क्वेश्चंस को थ्योरी को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इन्होंने जिस तरह से लिखा है एकदम पॉइंट वाइज ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो इवेल्युएटर होते हैं वो चेक भी करते हैं बहुत, मतलब उनको पॉइंट वाइज मिल जाता है, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है अगर करीब करीब उतने पॉइंट आप लिख दिए हैं तो आपको मार्क्स वो अच्छे दे देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है टिम्बर के लिए जो था वो प्रॉपर्टीज ऑफ टिम्बर क्या होना चाहिए, तो पॉइंट वाइज जो है टिम्बर शुड हैव डार्क कलर और ये सारा पॉइंट जो है आप लोग का, और ये पूरा एकदम बुकिश लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम जैसे फ्री हम लोग अपने जिस तरह से सोचते हैं समझते हैं उस तरह से डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं, मार्क्स मिलता है उसमें भी, बातें वही हैं इवेल्युएटर पे डिपेंड तो करता ही है, ये सिंकिंग फंड मेथड फॉर इवेल्युएशन का था, तो डायरेक्टली इन्होंने पहले डेफिनेशन वगैरह लिखा, कुछ पॉइंट लिखा,
फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला के साथ जो सिंबल हमने दिया है उसको भी डिफाइन करना जरूरी होता है, यूज़ फॉर इवेल्युएशन ये डाला है इन्होंने, इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो यही प्लेटलेट टेस्ट वाला जो क्वेश्चन के लिए मैंने बोल रहा था कि इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑन बियरिंग कैपेसिटी यूजिंग प्लेटलेट टेस्ट, ये पूछा गया था। तो ये इन्होंने इसके बारे में लिखा है, डायग्राम ड्रॉ किया है, उनके प्रॉपर्टीज़ को लिखा और जो फार्मूला जो हम लोग जो इफेक्ट होता है सेटलमेंट किस तरह से फुटिंग और प्लेट के बीच में होता है वो जो फार्मूला है। फिर ये राइट डाउन द स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर फ्लोटिंग बॉडी, तो डायग्राम ड्रॉ करना, सारा जो मेटा सेंटर होता है वो सारे को डिफाइन करना, हर एक पॉइंट में क्या क्या स्टेबल कंडीशन में क्या होता है इस तरह से। और अगर इस वाले पॉइंट पे अगर आप कहीं डायग्राम भी ड्रॉ किए हैं स्टेबल या अनस्टेबल इसके लिए तो और अच्छा होगा इसमें। ये जो डिसइन्फेक्शन वाला क्वेश्चन था तो उसमें जो है मेथड्स ऑफ डिसइन्फेक्शन एक्सप्लेन यूवी रेज मेथड, तो इन्होंने उतना नहीं लिखा है, मतलब जी शायद 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन सही मतलब तरीका सही था इनका लिखने का, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में उतना रिमेंबर भी नहीं हो पाता है चीज़ों को, और कई बार इतना भी होता है कि हम लोग उस टॉपिक को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर, तो स्लीपर के बारे में लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन है, और इसमें बोला गया था एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम, तो इन्होंने कंक्रीट स्लीपर को चूज़ किया है क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानते रहते हैं और अपने टेक्निकली चीज़ों को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों इन्होंने लिखा है। फिर नेक्स्ट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, कई बार पूछा गया है ये, तो मतलब जस्ट आप एक फॉर्मेट तैयार करके कि ये सारे क्वेश्चन तो हमको प्रिपेयर करके ही जाने हैं, साइज ऑफ द एग्रीगेट जो भी पॉइंट्स हैं इसके, क्वालिटी ऑफ वाटर, टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एडमिक्सचर के बारे में लिखना, जिस तरह से उन्होंने टाइम का प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बताया ये सारा चीज़ अच्छा है पॉइंट वाइज। फिर प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट, ये सारा वही फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी पे है, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसी तरह से लिखना चाहिए पेपर्स में कि पॉइंट वाइज रहे कि एग्जामिनर को बहुत सही लगे और वो जल्दी, क्योंकि काफ़ी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं तो उन लोग उसी तरह से चाहते हैं कि अच्छे से करें। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था 2019 का जो मेंस का पेपर हुआ था, आप लोगों को अभी तक वो नहीं मिला हुआ आरटीआई से कॉपी, क्योंकि मेंस रिजल्ट आने के बाद ही वो मिल पाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन उसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो करीब करीब सही ही है ये, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज से मैंने देखा है तो ये सही है। तो आप लोग एनालाइज़ कर सकते हैं वीडियोज़ को, और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हैं एसएससी जेईई से रिलेटेड, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव और एक शॉर्ट में बहुत जो है आप लोग को हेल्प होगा उस वीडियोस से, जो भी एक्सपीरियंसेस थे मैंने सारे शेयर किए हैं। तो आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, और वीडियोस को लाइक करें, और कोई भी कमेंट हो तो आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्कशन करते हैं, तो वो आपके